तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट पूरा वीकली एनालिसिस हम करने वाले हैं, ठीक है, कि अगला नेक्स्ट वीक क्या जाएगा, हमें उसमें क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए। बट उससे पहले देख लेते हैं, मैंने आपको जो स्टॉक्स रिकमेंड किए थे वो कैसे गए, कैसे हिट गए। ठीक है, तो मैंने आपको जस्ट एक दिन पहले थर्सडे के दिन ही मैंने आपको बताया था कि जील पे बिड करना। ठीक है, तो जील उस दिन ऑलमोस्ट हमें देखने मिला कि मैंने आपको 211 पे बताया था, यहाँ पे 211 जहाँ पे बंद हुआ था 212। ठीक है, 212 से ये ऑलमोस्ट ये टच कर गया 216, मीन्स आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 3% का रिटर्न यहाँ पर देखने मिल गया। तो राइट, काफ़ी क्वाइट गुड रिटर्न मिला हमें, ठीक है, सिर्फ जस्ट 2 दिन में, 2 या 1 दिन में। ठीक है, उससे बाद मैंने आपको बताया था वेनसडे थर्सडे के दिन जब हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि ये चीज़ आप ये वाला स्टॉक खरीद लेना क्योंकि ये अपने एकदम सपोर्ट जोन पे है और यहाँ पे हमें एक बाइंग देखने मिलेगी। मैंने आपको बताया था कि 88 पे मैंने रिकमेंड किया था ये वाले इस दिन पे, यहाँ पे 88.50 पे रिकमेंड किया था, 85 का स्टॉप लॉस था, बट फेवर्स द ब्रेव, राइट। ठीक है, हमें क्या हुआ, यहाँ पे कितना रिटर्न देखने मिला, यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही दिन में 6% का रिटर्न देखने मिला। ठीक है, तो आज के में हम आपको यही बताएंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी अगले वीक में कैसा रहेगा और ये 3 बेस्ट स्टॉक उसको कौन से प्राइस पे खरीदें और वो कहाँ तक जाएगा और कितना रिटर्न है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा टारगेट रहेगा कि मिनिमम 1 वीक में 5% आपका कैपिटल का निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मेक श्योर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम आपसे कुछ ज़्यादा फीस नहीं मांग रहे, तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो चलिए कॉल पुट की भी स्ट्रेटेजी मैं आपको इसमें बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ना भूलें। मैंने आपको बताया था निफ्टी 50 गारंटी ऑल टाइम हाई जाएगा। ठीक है, तो उसने ऑलमोस्ट हाई तो टच कर दिया, यहाँ पे देखो एक नया हाई बना दिया, लेकिन अब क्या, अब तो ऑल टाइम हाई हो गया, अब तो बड़ा दिक्कत है कि क्या किया जाए। ठीक है, तो राइट, अब हमने जैसे फिबोनाकी अगर हम लगाते हैं, ठीक है, अब हमें एक लेवल देखते हैं, ठीक है, फिबोनाकी का प्रोजेक्शन देखते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें ये जो कैंडल देखने मिली है ये काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप है, मतलब एक रिवर्सल का साइन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से भी लूँ और ये जो रैली यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, ये रैली यहाँ से स्टार्ट जहाँ हुई थी, ठीक है, अब क्या, ठीक है, इसका रिट्रेसमेंट लेवल 15,000 का है, मतलब अगर यहाँ पर भी थोड़ा सा करेक्शन आता है, थोड़ा सा करेक्शन आता है एक रेजिस्टेंस लेवल पे, और जो इसका जो अभी इमीडिएट सपोर्ट है वो इमीडिएट सपोर्ट है 15,300, इसने बेस बना दिया है। ठीक है, 15,000 और ये 250 भी इसने बहुत एक अच्छा बेस बना दिया है। ठीक है, 200, तो काफ़ी सारे बेस बनेंगे, तो अब इसमें स्ट्रेटजी क्या प्ले आउट करें। ठीक है, मैं यहाँ पे अब आपको मैं पुट की राय दूंगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट में एक करेक्शन आता है, जब सेंसेक्स 50,000 भी टच किया था, जैसे ही टच किया वहाँ से हमें एक 2,000 पॉइंट का डाउन देखने मिला था, इसको कहते हैं करेक्शन। निफ्टी 50 भी अपने ऑल टाइम हाई पे है, सेंसेक्स 51,000 क्रॉस कर गया, बट अब यहाँ पे करेक्शन आएगा, तो यहाँ पर क्या करना है, 15,500 का पुट से प्ले करें ये पूरे वीक, और 15,550 या 15,600, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, मार्केट जैसे ही 15,550 क्रॉस करेगा हमें हमारा पुट बेच देना है, हमें हमारा स्टॉप लॉस हो रहेगा। हमारा टारगेट क्या रहेगा, 15,300, और जितना नीचे जाता रहेगा हमें उसको ट्रेल करना। ठीक है, यहाँ पे मेरी राय रहेगी अब आपकी पुट की। ठीक है, ऑल टाइम हाई जाएगा यहाँ पे क्योंकि एक जो स्पिनिंग टॉप हमें देखने मिली है। ठीक है, और हाँ, जो लोग स्टॉक मार्केट कोर्स सीखना चाहते हैं वो मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, मैं ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखी है और लाइव सेशन शुरू होने वाले हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सीट्स बुक हो चुकी है। ठीक है, तो सीखना चाहते हैं तो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप देखने मिला, यहाँ से कंटिन्यूस, मतलब एक यहाँ से इतनी बोलते हैं ना कि तेज़ी देखने नहीं मिलेगी अब, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे आपको 15,500 या 15,600 का भी कोई सा भी पुट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे स्ट्रेटेजी रहेगी, कहाँ तक रखना है, 15,300 पहला टारगेट, मतलब हमें 150 पॉइंट का ऑलमोस्ट निफ्टी का 1% हमें कवर करना है। ठीक है, तो पुट की राय रहेगी। निफ्टी बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, निफ्टी बैंक ने अचानक से जंप किया है इसमें। ठीक है, निफ्टी बैंक में, निफ्टी बैंक अपने अभी ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है, बट ऑब्वियसली बात है कि निफ्टी 50 काफ़ी क्वाइट स्टेबल है। ठीक
ठीक है। तो मैं यहाँ पे निफ्टी पे आपको ये राय दूंगा कि आप इसमें प्ले करेंगे किसके साथ, कौन सी स्ट्रैटेजी। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे प्ले करेंगे 36,000, ठीक है, ये रहा, ठीक है, 36,000 की पुट के साथ, सॉरी सॉरी, 36,000 का कॉल ले लीजिए, 36,000 का कॉल ले लीजिए। और अगर आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है, मैं आपको ये स्ट्रेटजी वापस से करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, 34,500 का आप कॉल लीजिए। कब कब लेना है, जब मार्केट यहाँ से डिप मारे, ठीक है, ये लेवल याद रखना, 34,400, 34,500 एक निफ्टी बैंक का बहुत अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। जैसे ही वहाँ पे करेक्शन मिलता है तो हमें क्या लेना है, वहाँ पे कॉल लेना है, कहाँ का लेना है, ऊपर के 300, 400, 500, 1000 पॉइंट का कोई सा भी आप कॉल ले लीजिए, रिटर्न आपको मिलेगा। जितना ज़्यादा पास का कॉल उतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन मिलेगा। अगर कम पैसे से रिस्क लेना है तो 36,000 का कॉल ले लीजिए ये वाली एक्सपायरी के लिए, ठीक है, 36,000 का कॉल ले लिया, राइट, उसको लेके होल्ड करना। कब लेना है, अगर नीचे गिरेगा तो, और अगर जैसे ही 36,000 का लेवल पे अप्रोच करता है, जैसे ही अप्रोच करता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 35,000 का पुट या 35,500 का पुट, अगर ये जैसे ही 36,000 के लेवल पे जाता है, ठीक है, ये थी कॉल पुट की स्ट्रेटजी, ठीक है। तीन स्टॉप जो मेक श्योर आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए, जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। और एज अ डिस्क्लोजर, मैं वही पोर्टफोलियो आजकल बता रहा हूँ जो मेरे पास है, ठीक है। 3 महीने का चार्ट देख लेते हैं भारतीय एयरटेल का, ठीक है, भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल का काफ़ी अच्छा करेक्शन आ चुका है, तो इसके लिए वजह से पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में भी मैंने बाई किया, एज अ डिस्क्लोजर बता दूँ, ठीक है। और मेरे सारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में ये देख रहे हो, क्लियर कट, मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी अपने एक सपोर्ट जोन पर, ठीक है, एक क्लियर कट अपने सपोर्ट जोन पे है। 500 का स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है, 500 का स्टॉप लॉस नहीं लगाना तो 2% नीचे का स्टॉप लॉस लगाओ। टारगेट, टारगेट ओपन टू 550, ठीक है, 550 का पहला टारगेट, 575, अगर 570 पहला टारगेट आपका एग्जैक्टली मैं बता दूं तो 545 पहला टारगेट, 545, 546 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 560, ठीक है, तीसरा टारगेट 575, और उसके बाद गया तो ये आपको वापस से एक बार 600 का लेवल वापस से देखने मिल जाएगा। हाँ, अगर जिसका मंथली या 2-3 महीने का है तो आप उसको भारतीय एयरटेल रखिए। अगर आपको पोजिशनल करना है ये हफ्ते, तो ये हफ्ते आपको ये मिनिमम 4% का आपको ये मूव देता हुआ दिखेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस 2% नीचे, टारगेट ऊपर के 5 से 6%, ठीक है। अगला है मैंने स्मॉल कैप से उठाया है SW 16। SW 16 इज क्वाइट मेरा फेवरेट है, ठीक है। मेरा फेवरेट क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है ना, मूव थोड़ा अच्छे देखने मिलते हैं, ठीक है। एज अ डिस्क्लोजर, ये भी मेरे पास है, मेरे पास अच्छी खासी क्वांटिटी में बाय है, ठीक है। ये क्या करती है, ये सोलर एनर्जी बनाती है, तो अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर किसी को रखना है, ठीक है, तो ये इसको रख सकता है। क्योंकि अगर आप इसमें एक एक दिन की कैंडल देखेंगे ना, ये देखिए, ये सिर्फ ये वाली देखिए, कहाँ से 266 से सीधी कैंडल गई 315, 317, ठीक है। ये गिरता है तो भी उतनी तेज़ी से गिरता है, और चढ़ता है तो भी उतनी तेज़ी से ही चढ़ता है। अब ये अब कहाँ के कहाँ पे आ गया है, अगेन ये अपने बहुत अच्छे सपोर्ट पे है, 228, ठीक है, 228 के बहुत अच्छे से सपोर्ट पे मेरे पास है, मेरे पोर्टफोलियो में है। अगर किसी को पहला टारगेट लेना है, ठीक है, इमीजिएट किसी को बाइंग लेनी है, तो पहले आप कल ले सकते हैं, ठीक है, विथ अ टारगेट ऑफ 250, 260, फिर सीधा जाएगा। अगर किसी का लॉन्ग टर्म विजन है तो वो 300 तक रखिए, नहीं तो मिनिमम आपको ये मिनिमम टू मिनिमम ये आपको 7% का गेन देखने आपको ये इजीली मिलेगा। तो SW 16 पे एक मेरी बिड है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब ये जो गिर रहा है ना, देखो यहाँ पर जब गिर रहा था, मैं बता रहा हूँ क्यों ले रहा हूँ मैं, अब जो जब ये यहाँ पे गिर रहा था तो इसका वॉल्यूम बहुत हाई था, अब यहाँ पे ये गिर रहा है, ये अपने सपोर्ट जोन पे आ गया है, तो इतना यहाँ पर हैवी सेलिंग देखने मिल नहीं रही है वॉल्यूम में, ठीक है, वॉल्यूम में इतना ज़्यादा देखने नहीं मिल रहा, तो इसकी वजह से भी एक ये है, ठीक है। सेम विद भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल में तो आजकल क्या थोड़ा फ्लैट फ्लैट ही चल रहा है, बट ठीक है, यहाँ पर ये हमें ये कैंडल बता रही है, ये देखो, अगर इसको डबल डबल बोलें तो ये इसको कहते हैं हरामी पैटर्न, ठीक है, बुलिश हरामी पैटर्न कहते हैं इसको,
ठीक है, सीखना चाहते हैं मेरे को मैसेज करिए, मैं आपको ऑन द स्पॉट मैं आपको पूरा का पूरा कोर्स सेंड कर दूंगा। और अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। फिर अगला है मैंने ITC, ITC जो बहुत रुलाता है, ठीक है, बहुत रुलाने वाला शहर है, ठीक है, वो कभी मूव कर जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ITC में क्या हुआ, अगर मैं ऑन एन एवरेज वॉल्यूम देखूँ, ठीक है, पहले कितना था 7 पॉइंट, अगर मैं इधर देखें मैं आपको बता देता हूँ, अगर वॉल्यूम भी चैप्टर हमने कवर किया हमारे कोर्स में, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सब है। अगर इसका बेसिक एवरेज यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से देखो यहाँ तक ये जो वॉल्यूम है ऑलमोस्ट आधे मार्च से लेके ऑलमोस्ट ये मई तक, ठीक है, 2 महीने तक क्या था, फ्लैट वॉल्यूम था। फ्लैट वॉल्यूम मीन्स फ्लैट ये था। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमें एक वॉल्यूम में स्पाइक देखने मिला है, मीन्स एक बाइंग आई है। तो ITC अपने पोर्टफोलियो में रखिए, 212 का प्राइस, पहला टारगेट 221, 221 पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, दिखा देता हूँ, ठीक है, ये देखो 221 पे क्या, एक बार यहाँ पर टच किया तो वापस आया, एक बार फिर यहाँ पे टच किया नीचे आया, यहाँ पे देखो एक और बार टच किया तो ये इधर एक छोटा सा उसका एक रेजिस्टेंस है, हाँ, उसको ब्रेक किया देन आपको ये मिलेगा 228 के लेवल पे, 228 के बाद सीधा हो जाएगा 240, मे बी शायद 250 भी चला जाए विद इन दिस मंथ, ठीक है, इसका ये टारगेट है। तो हमें यहाँ पे एक वॉल्यूम पे स्पाइक देखने मिला है और ITC एक बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है, ठीक है, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखिए, ये था टारगेट के साथ, ठीक है। तो ये था आज का एनालिसिस, मैंने आपको बता दिया कि निफ्टी 50 पे मैंने आपको पुट की राय दी है, ठीक है, आप पुट की राय से खेलिए, ठीक है। निफ्टी बैंक में मैंने आपको कहा है कि अगर ऊपर जाए, जैसे अगर मान लो एक स्पाइक देखने मिलता है तो 36,000 का पुट लीजिए, जब वो 35,000 क्रॉस कर जाए, जब नीचे गिर जाए अगर सपोर्ट पे आता है 34,500 पे, तो 36,000 का आप एक कॉल ले सकते हैं। तो मेक श्योर ये स्ट्रेटेजी आप अपने नोट डाउन कर लीजिए, बहुत हेल्प करती है, ठीक है। तो ये था आज का, तो मेक श्योर हम आपसे कुछ फीस नहीं ले रहे हैं, ये हमारी अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो मेक श्योर लाइक करें, लाइक करना मत भूलिए, और शेयर एंड सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, एक बटन दबाना, ठीक है। और किसी को भी टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स चाहिए मुझे डायरेक्ट DM कीजिए, नीचे मेरा नंबर है, आप मुझे तुरंत हाई कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत मेक श्योर, हाँ वो पेड है इतना भी बता दूं मैं, क्योंकि फ्री में तो हर चीज़ नहीं मिलती इतनी, ठीक है। ये चीज़ है, कोई भी डाउट है मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़िए, 1-on-1 डाउट सेशन है, हमारी प्रीमियम सर्विस भी है, नहीं है तो हमारे पास फ्री सर्विस भी है जिसमें हम आपको डेली बताते हैं कि आप कौन से स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का डेटा एनालिसिस, आई होप आपको पसंद आया होगा, तो मेक श्योर हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और कुछ सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें मेरे को बता दीजिए, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू आज के लिए।